हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 12th ए, एग्रीकल्चर पार्ट 1, फूड क्रॉप्स इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो व्हाट इज द एग्रीकल्चर and importance of agriculture. Okay, and now today we discuss here the new topic, crops of India. Okay, so we start here with varied type of relief, soil, climate and long growing season. Indian farmers grow almost each and every crop. Means in India, relief means landfall feature, soil, climate or long growing season. Means different type of conditions hai. Due to that, yahan par different type of crops, each and every crops yahan par grow hoti hai. Okay? If we talk about food crop, so rice, wheat, maize, millets and pulses are the main food crops of India. India ki main food crops hai. Rice and wheat are staple food of India. Staple means main food. India mein jo sabse zyada pasand kiya jata hai, jo main food hai, wo aapka rice and wheat. Pulses are rich in protein, so they form a very important part of Indian diet. Means ek protein ka main source aapki pulses, so that's why wo zyada use hoti hai. The success of green revolution has resulted in tremendous इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट. कि मीन्स इंडिया में आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में इंडिया में आया था. ठीक है, स्पेशली 1967 और 68 में. और अकॉर्डिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, ठीक है, तो सारी चीज़ें, मशीनरी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी. और ड्यू टू दैट ट्रिमेंडस में सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ किसमें, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट में. ओके, सो वी स्टार्ट हियर फूड क्रॉप. फर्स्ट द फूड क्रॉप अबाउट कवर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री. मीन्स हमारे कंट्री में जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उसका जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर फूड क्रॉप्स होती है. और फूड क्रॉप में स्पेशली राइस, वीट, मेज, मिलेट्स और पल्सेस की बात करेंगे हम. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ डिस्कस हियर राइस. तो राइस जो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना. चाइना नंबर वन है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हमारी कंट्री है इंडिया. दिस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कि मीन्स जो पीपल, जो लोग इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में रहते हैं, उनका जो मेन फूड है वो क्या है, राइस है. राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इज वाइडली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री. मीन्स पूरे पार्ट में ये इजिली ग्रो हो जाता है. इन द नदरन इट इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ मीन्स होता है दो ज्यादा ग्रोइंग इन द समर सीजन. जो मानसून सीजन में ग्रो हो रही क्रॉप उसको होते हैं खरीफ क्रॉप. ठीक है, लेकिन जो सदर पार्ट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है ऑलवेज, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर्स ये क्रॉप ली जाती है राइस. क्लियर. एंड सम प्लेसेज आते हैं जहाँ पर इरीगेशन, क्योंकि देखो राइस के लिए चाहिए वाटर ज़्यादा चाहिए, तो कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर तो सुटेबल है लेकिन रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ पर भी राइस इजिली ग्रो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट हियर ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट. जब भी किसी भी क्रॉप की बात होगी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर पर्टिकुलर क्रॉप के लिए चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए और सॉइल कौन सी सुटेबल है दैट पर्टिकुलर क्रॉप के लिए. क्लियर, तो कीप इन द माइंड सम टाइम आपको किसी भी क्रॉप्स का ज्योग्राफिकल कंडीशन आ सकती है, तो आपने सिर्फ टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल के बारे में बताना है. क्लियर, सो टेम्परेचर, द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस विद माइनर वेरिएशन ड्यूरिंग द सोइंग. सोइंग मीन्स होता है जब हम बीज को बीजते हैं. ओके, स्टार्टिंग स्टेज में. ठीक है, तो आपका जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए दैट टाइम, वो आपका 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग. ग्रोइंग मीन जो मिडिल पीरियड होता है जब आपकी क्रॉप ग्रो करती है,
और हार्वेस्टिंग जब वो राइपनिंग होकर रेडी हो जाती है आफ्टर उसकी हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई की जाती है, क्लियर। तो उसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर वो 24 डिग्री सेल्सियस है, ओके। बट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज जब ग्रो हो रही हो तो दैट टाइम जो टेम्परेचर रहनी चाहिए वो 16 to 20, और जब राइपनिंग हो रही हो दैट टाइम 18 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्लियर। तो दिस योर टेम्परेचर इन एवरेज टेम्परेचर चाहिए ग्रोइंग सोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए 24 डिग्री सेल्सियस, बट जो अर्ली स्टेज होती है दैट टाइम हमारा जो टेम्परेचर शुड बी 16 to 20 होना चाहिए, लेकिन जब राइपनिंग होती है दैट टाइम टेम्परेचर शुड बी 18 डिग्री सेल्सियस to 32 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड नाउ रेनफॉल, तो राइस नीड अबंडेंट रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन द 150 सेंटीमीटर to 300 सेंटीमीटर, कि मीन्स राइस के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए, यू नो, तो कि आपके जो रूट्स होते हैं राइस के वहां पर भी वाटर कलेक्ट होना चाहिए, क्लियर। तो मीन्स आपको क्या चाहिए, रेनफॉल हैवी चाहिए 150 to 300 सेंटीमीटर। इट कैन ग्रो इन द एरियाज विद लेस रेनफॉल विद एश्योर्ड इरिगेशन, मीन्स जहाँ रेनफॉल लेस होती है वहां भी ग्रो हो सकता है इजिली, लेकिन विद हेल्प ऑफ इरिगेशन, ओके। और पंजाब एंड हरियाणा में आपकी राइस की क्रॉप पॉसिबल हुई तो विद हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो लेस होती है, ओके, एज कम्पेयर टू 20 to 30। और हमारे जो पार्ट स्पेसिफिक मोगा रीजन, यहाँ जो रेनफॉल होती है अबाउट 70 और 80 के करीब होती है, सेंटीमीटर के करीब होती है, दैट मीन्स की अकॉर्डिंग टू राइस के डिमांड अकॉर्डिंग ये कम है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इजली यहाँ पर ग्रो हो जाता है, क्लियर। एंड नाउ द फील्ड मस्ट बी फ्लडेड विद द वाटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जब उसको आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो दैट टाइम आपकी फील्ड जो है वो वाटर से फील होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ दैट अगर बात करें हम सॉइल की, तो राइस कैन ग्रो इन अ वराइटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग सीट लोम ग्रेवल, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इजली ग्रो होता है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल सॉइल है इसके लिए वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल है विद द सब सॉइल ऑफ इम्प्रीवियस, कि मीन्स जो टॉप सॉइल है वो एलुवियल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो नीचे वाली सॉइल है वो इम्प्रीवियस, मीन्स उसमें होल्स नहीं होने चाहिए, वो आपकी थोड़ी सॉलिड होनी चाहिए ताकि वाटर जो है वो उसके ऊपर स्टैंड हो सके, अगर इसमें होल्स होंगे तो वाटर अंडरग्राउंड चला जाएगा और यहाँ पर आपका वाटर कलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मीन्स अंडरग्राउंड जो सॉइल है, जो टॉप सॉइल से नीचे की जो सॉइल है सब सॉइल वो इम्प्रीवियस है, उसमें होल्स नहीं होने चाहिए, उसमें स्मॉल होल्स नहीं होने चाहिए ताकि वाटर आपका नीचे जा ना सके, ओके। सो द इम्प्रीवियस सब सॉइल लेयर प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द ड्रेनिंग अवे एंड अलाउ द वाटर स्टेगनेंट, मीन वहां वो स्टैंड रहता है वाटर, ठीक है, इन द फील्ड, ठीक है, अगर आपकी इम्प्रीवियस सॉइल होगी बिलो द एलोवियल सॉइल, ओके। तो मीन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में इजली हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल है वो क्या है, एलोवियल सॉइल है, और उसकी जो सब सॉइल नीचे की सॉइल है वो इम्प्रीवियस होनी चाहिए, उसमें होल्स होनी चाहिए ताकि वाटर, बहुत थोड़ी सी हार्ड सॉइल होनी चाहिए ताकि वाटर उसके ऊपर कलेक्ट हो सके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट योर मेथड, कि विच मेथड आर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, तो उसके आपके बेसिकली 5 मेथड है। यहाँ बात हो रही है सोइंग की, ओके। आफ्टर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, मीन्स इसकी क्रॉप्स को कब काटा जाता है, कैसे काटा जाता है। तो अगर बात करें हम मेथड की, तो सोइंग के बेसिकली 5 मेथड है। फर्स्ट आपका ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्कैटरिंग, जब हम हैंड से स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड बाई हैंड, यहाँ हम हैंड से ब्रॉडकास्टिंग से स्कैटरिंग करते हैं, ओके। सो इट इज अ प्रैक्टिस वेयर लेबर इज स्कार्स, स्कार्स मीन्स यहाँ जो लेबर कम होगी एंड सॉइल आपकी जब ड्राई होगी और नॉट वेरी फर्टाइल, तो उस एरिया में आप स्कैटरिंग करके, बिकॉज अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसके लिए लेबर चाहिए और फर्टाइल सॉइल चाहिए, ठीक है। तो मीन्स आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है विद जस्ट स्कैटरिंग द सीड बाई द हैंड, ओके, उसको होते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड हमारे पास डिबलिंग, तो डिबलिंग होता है कि ड्रॉपिंग द सीड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, इन प्लोर फ्यूरो, जो हमारी फ्यूरो हैं जो आपकी हल्स के थ्रू, जो भी आपका ट्रैक्टर तो आप नाली बनाओगे उसमें प्रॉपर इंटरवल पर आप सीड को ग्रो कर देते हैं, वो डिबलिंग डिबलिंग मेथड होता है। डिबलिंग इज द ड्रॉपिंग ऑफ सीड एट रेगुलर इंटरवल इंप्लॉइंग फ्यूरो, द मेथड इज कॉमन इन नदर प्लेस, इन नदर प्लेस में कॉमन मेथड है, ठीक है, कि प्रॉपर इंटरवल पर आप सीड को लगाते हैं, क्लियर। आफ्टर द ड्रिलिंग, सो अंडर दिस ड्रिलिंग, सो अंडर दिस सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड। सो नाउ वी डिस्कस हियर द थर्ड पॉइंट, ड्रिलिंग। अंडर दिस सीड ड्रिल इज यूज सोइंग सीड, इसके लिए मशीनरी यूज होती है, और मशीनरी में यहाँ पर ड्रिल
ड्रिलिंग बनी होती है, तो उसमें आप एक फनल टाइप बनी होगी, उसमें आप सीड्स को डाल दोगे और ऑटोमेटिकली जब आपकी फ्योरो बनती जाएगी तो आपका जो सीड है एक रेगुलर इंटरवल पे और प्रॉपर डेप्थ पे जाके आपका सेटल होता रहेगा। मीन्स अंडर दिस सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड, द सीड ड्रिल इज टाइड टू द बैक ऑफ द प्लो एंड सीड आर पुट इन टू द फनल ऑफ द सीड ड्रिल। मीन्स के साथ सीड ड्रिल होती है, उसमें आप सीड को डाल दोगे ठीक है, और तो ऑटोमेटिकली आपका एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे आपका सीड जो है ग्रेजुअली रिलीज होता रहेगा और वो फील्ड में जाके सेटल होता रहेगा। क्लियर? दैट मीन्स की ड्रिलिंग जो मेथड है आपका विद द हेल्प ऑफ मशीन। ओके, इसमें आप ह्यूमन के बाय द हैंड उसको आप प्रॉपर इंटरवल नहीं डालोगे, ना ही बाय हैंड उसको स्कैटरिंग करोगे, ये सब मेथड है विद द हेल्प ऑफ मशीन के होगा। ओके, और उसकी बहुत सारी एडवांटेज भी है, और एडवांटेज क्या है? सो फर्स्ट एडवांटेज है देयर इज नो वेस्टेज ऑफ सीड, ठीक है, मशीनरी से होगा तो वन वन आपका सीड रिलीज होगा प्रॉपरली ठीक है, और तो नो वेस्टेज ऑफ सीड। और सेकेंड, द सीड आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल, एक प्रॉपर इंटरवल पे ऊपर और एक प्रॉपर डेप्थ के ऊपर नीचे आपका सीड जाएगा। ओके, तो ये आपकी इसकी एडवांटेज है, बट एक डिसएडवांटेज भी इसकी कि द इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। क्लियर? सो थोड़ी सी कॉस्टली है। तो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया ड्रिलिंग ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग बाय द हैंड जब हम सीड को स्कैटरिंग करें, लेकिन ये स्पेशली उस एरिया में होता है जहां आपका सॉइल जो है फर्टाइल ना हो, ओके, और लेबर कम हो। सेकंड आपने बात किया ड्रिलिंग, तो ये बाय द हैंड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल पर हम इंटरवल पर सीड्स को ग्रो करते हैं। ओके, और ड्रिलिंग में होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन होता है, ठीक है। इसमें एडवांटेज ये है कि नो वेस्टेज ऑफ सीड और सीड आर शोन एट अ करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। ओके, और उसकी एक डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, मशीनरी थोड़ी कॉस्टली है। ओके, एंड फोर्थ इज ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन, तो ये मेथड हम पंजाब में यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, कि फर्स्टली सीड को पहले एक स्मॉल प्लॉट पे या नर्सरी में ग्रो किया जाता है, आफ्टर दैट जब ये स्मॉल सा प्लांट हो जाता है नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर ठीक है, तो इसको हम नाम दिया है सिडलिंग। ठीक है, मेन्स क्या है कि फर्स्टली हम क्या कहते हैं, एक प्लॉट पे एक स्मॉल सा प्लॉट पे आप सीड को ग्रो करोगे ठीक है, या किसी नर्सरी में इसको ग्रो करोगे, जब इसकी हाइट 10 to 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और एक स्मॉल प्लांट टाइम प्लांट बन जाएगा ठीक है, तो उसको हम सिडलिंग नाम दिया है। ठीक है, सो आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन देके उसको वहां से प्लग करके लैंड में ट्रांसप्लांटिंग इसकी की जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। ओके, इट इज अ कॉमन मेथड जो हम पंजाब में भी अपने सराउंडिंग भी देखते हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉमन मेथड, ठीक है, और उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे एक प्रॉपर मैनर में एक रखा जाता है ठीक है, और उससे अच्छी क्रॉप्स ली जाती है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो आपके पास जापानीज मेथड। ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपका जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होगा, हाई ईल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड होगा ठीक है, उसको नर्सरी में पहले ग्रो किया जाएगा, आफ्टर दैट फिर जो गुड उसको फर्टिलाइजर्स या उसकी ब्रीडिंग की जाएगी ठीक है, और आफ्टर दैट जब उसको एक सीडलिंग रेडी हो जाएगा, एक स्मॉल प्लांट रेडी हो जाएगा, तो उसको फिर हम वहां से उखाड़ के लैंड में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और स्पेशली ये जो मेथड है ये पंजाब हरियाणा और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है, एंड ऑफ दैट दिस आर फाइव मेथड वी डिस्कस हियर, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, ऑफ दैट ट्रांसप्लांटिंग एंड जापानीज मेथड। ओके, सो जापानीज मेथड के बहुत सारी एडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छी नर्सरी में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है तो बेटर और हेल्दी जो सीडलिंग होगा, जो अच्छा सीड्स होगा, सीडलिंग होगी ठीक है, उसी को ही हम लगाएंगे, अदरवाइज जो वीक पॉइंट होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है, तो ड्यू टू दैट इसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है जापानीज मेथड में। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हार्वेस्टिंग। अब इसकी कटाई कब की जाती है? ठीक है, सो द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के मीन्स क्या है, कटिंग एंड गैदरिंग, की क्रॉप्स को काटना और उसको फिर गैदर करना। ठीक है, किसको, मेच्योर क्रॉप जो राइपनिंग हो चुकी है ठीक है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग इज कैरिड बाय द हैंड और मशीन। तो ये होती है, मशीन से भी होती है और बाय द हैंड भी होती है। ठीक है,
एंड ऑफ दैट मीन्स जब आपकी क्रॉप राइपनिंग हो जाती है, ठीक है, और उसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ साइथी, साइथी मीन्स होता है कि जो आपकी दराटी टाइप या एनी थिंग्स जो आयरन की चीज होती है जिसे हम काटते हैं, ठीक है, इसको मैचेटी होते हैं एंड अलाउ ड्राई इन द फील्ड, उसको 3-4 डेज के लिए फिर फील्ड में छोड़ा जाता है सूखने के लिए, आफ्टर उसकी थ्रेसिंग की जाती है, और थ्रेसिंग बाय द हैंड भी होती है और बाय द मशीन भी होती है, क्लियर, वही बात इसमें मेंशन है, ठीक है, पहले ब्लॉक से करते अब नाउ मशीन से इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी थ्रेसिंग की जाती है, और बेसिकली जो एरिया है वेरी फाउंड, तो राइस इज कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, बट मोस्ट ऑफ इट्स कल्टिवेशन इज कंसंट्रेटेड इन द रिवर वैली बेल्ट ऑफ डेल्टा ऑफ रिवर एंड कोस्टल प्लेन, ओके, बिकॉज हियर आपकी एलोवियल फर्टाइल सॉइल फाउंड होती है, दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम एरिया में यहाँ फाउंड होती है, एंड द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम एंड महाराष्ट्र, ओके, एंड नाउ राइस इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन द हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला एंड गुजरात, एंड सम राइस इज ऑल्सो ग्रोन इन कश्मीर वैली, एंड वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो राइस की प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है आपकी वेस्ट बंगाल में, ओके, तो दिस ऑज द एरिया वेर इट फाउंड, तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है कि वेर इट फाउंड या कल्टिवेशन जो हो रही है राइस की वो कहाँ हो रही है, एंड हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है विद द हेल्प ऑफ हैंड और मशीन बोथ के थ्रू हो रही है, ठीक है, और आफ्टर दैट वी डिस्कस हियर मेथड ऑफ सोइंग, तो उसके 5 मेथड में डिस्कस किए, ब्रॉडकास्टिंग, डिविलिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग और जापानीज मेथड, ओके, एंड क्लाइमेट कंडीशन या ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द राइस क्रॉप, ठीक है, सो दिस योर टॉपिक टू डिस्कस इज हियर राइस, एंड नेक्स्ट पार्ट वीट वी डिस्कस इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो, थैंक यू।